और स्लैंग वर्ड्स यूज खाई जाऊ नो मसाई स्टेज पारफर्म खाइमा नो नुगो दंगो इनके अब कैसा तमजान हाइफी लंगो जे स्राय रक स्राय बसा बसा के स्टेज पारफर्म खाइ दंगो कैसा रचाम आ जगह एमन एमन ककथाई दंगो जेटा खाना तो गया ककथाई जेटा माने एकदम कक सित्रा ककथाई रक आम हाय ककथाई बेर सबसा रचाम रक नो स्राय चिकन चिकन स्टेज पारफर्म खाइ जों नके मार खन बखा दंग थ गया गो कोबां ब्रुखराया खिबां उचाया किसी एक को बोल ही रहा हूँ, सभी लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग नहीं समझते सी लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी शॉर्ट। म्यूजिक बहुत प्रकार के होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत जानता हूँ, बट ये तो आप लोग मुझसे कई बार बेहतर जानते होंगे। टिल देन ये रैप म्यूजिक वगैरह में थोड़े बहुत वल्गर वर्ड होता है गाइस, जो मैं ये बात बोलने जाऊँ तो आप लोग फिर से बोलोगे कि कुछ को बहुत बड़ा समझते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है गाइस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी भी जैसे आप लोग जी रहे हो, मैं बहुत नॉर्मल लाइफ जीता हूँ, मैं रैंप पे रहकर कॉलेज जाता हूँ, यूनिवर्सिटी, बहुत नॉर्मल लाइफ, ठीक है, मैं पैदल चल के मर के जाता हूँ, इज वेरी नॉर्मल, मास मास बाढ़ में जाते, ठीक है। तो बचपन में हम सब एक कीपैड फोन लेके गाना सुनते हो गए, लिल वेन एम जी के उनका तो बहुत सारे, ये तो आप लोग जाने हो गए मुझे बता, ठीक है। तो उनके गाना शुरू, ठीक है, उनके गाना शुरू होते ही फक से एंड खत्म होते ही फक योर ममास एस, तो भाई बोलो ना उनको, अभी थोड़ा मेंशन करो ना उनको भाई, थोड़ा मेंशन करके बोलो उनको, थोड़ा कुछ बोलो। उनका सोसाइटी नहीं है, उनके घर में माँ बहन नहीं है क्या, उनके घर में बेटियाँ नहीं है, है सब कुछ है उनके पास, भाई मेरे घर में भी मम्मी है, मेरा छोटे छोटे कजिन सिस्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखता, ठीक है, मुझे समझ में भी आता है, पता भी है। तो मतलब अब लोग जिस प्रकार से मुझे जिस नज़र से देख रहे हो ना, इज वेरी रॉन्ग, गाना वगैरह से सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, सच बोल रहा हूँ। जिनको नाचना है लिरिक्स बारे में जाओ, नाचेगा कैसे भी करके, मैं वो एक गाना था ओम थे कुथुक कुथुक नो गई जाले दुख दुख, ये अच्छा है, अच्छा है, लोहा गौरव ओए होए लोहा गौरव, अच्छा है ये सब, वाह अच्छा है ना भाई, सही है सब लोग, यू आर डूइंग गुड, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, मैं एक बार गौर से सुनिए, हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, ना ही हम किसी इंडस्ट्री से पैसा लेके वीडियो पब्लिश करते हैं, ना ही कोई प्रोड्यूसर मुझे प्रोड्यूस करता है, ना ही कोई डायरेक्टर मेरी वीडियो पे डायरेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं सीधे बात बोल देता हूँ, आप सब अपने अपने काम पे बिजी रहो, घर बसाओ, शादी करो, बच्चा पैदा करो, रहो भाई, अपना जिंदगी जी लो, दूसरों की लाइफ में टांग क्यों रहते हो, है ना। जैसे कि मैं देखता हूँ बहुत सारे वीडियोस, लेट्स बिग एग्जांपल, हमारा भाई फोगोरियन, ठीक है, तो बेसिकली मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, सुना है उसका बहुत सारे गाना, बहुत सारे वर्गरेज वर्ड होता है, उसको वो सब पसंद है, वो उसकी नेचर है, मतलब उसको वो सब करने कर लिया, करने दो भाई, करने दो, उसमें ना ही आपका पैसा जाता है, ना ही आपका नाम खराब होता है, ठीक है, मतलब वाई कैन बी माइंड अवर ओन बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट्स व्हाट आई वांट टू लेट यू ऑल नो, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाल ही में जो हुआ डायरेक्टली पर्सनली मुझे अटैक करके बोला गया, लेकिन मेरा जस्ट वीडियो अब रिसेंटली अपलोड हुआ, तो जस्ट उस वीडियो के बाद ये बहुत कुछ होने लगा, तो ऑब्वियसली मुझे फील होने लगता है कि ये मेरे लिए है, ये मेरे बारे में, मेरी वजह से हुआ है, ठीक है। वो सब छोड़ो, एक सिंगर होगा शायद डोमिमोरा सिंह, देखा देखा सा लगता है कभी कभी, तो उसकी वीडियो कुछ लोगों ने मेरे को फॉरवर्ड किया, तो उसकी कमेंट सेक्शन पढ़ा, ठीक है, माना कि रूमी मोरा सिंह ने मेरे बारे में नहीं बोला, मुझे मेंशन नहीं किया, लेकिन वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ा तो देखा कि ये कोबरू गाना कोबरू गाना कोबरू गाना कोबरू गाने एफएमरू कोबरू गाने एफएमरू कोबरू गाना, भाई एक बात बताऊं, ये ब्रू गाना नहीं बजता तो शादी वादी नहीं होता, ठीक है, त्रिपुरा में शादी नहीं होता, फेस्टिवल्स नहीं चलता, ये बात गौर से सुनिए, ये सब जान के बहुत प्राउड फील करता हूँ खुद को, बाकी आप जो कुछ भी समझ नहीं समझते, ठीक है। तो फील प्राउड यार, आपका भी आपका लोग हैं, हम भी, क्या डिफरेंस है, यू से फील प्राउड, लेकिन अब लोग वो तो नहीं करते, इंसल्ट करने लगे हो ना, मैंने देखा है मेरे खुद की यूट्यूब चैनल की कमेंट सेक्शन में भी सुनने को मिलता है कि अरे भाई त्रिपुरा के लोग सिर्फ सेम गाना सेम म्यूजिक सेम गाना, अरे तो आप लोगों को पता है तो करो ना कुछ डिफरेंट, करता क्यों नहीं हो, क्यों नहीं करते, करो आप लोग तो हमसे कई गुना बेहतर जानते हो, यू नो बेटर देन अस, तो व्हाई डोंट यू डू इट फॉर अस, वी विल वॉच देन वी विल क्लैप। से ज्ञान बांटना आसान है लेकिन करके दिखाना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है, मैं भी ज्ञान बांट सकता हूँ आप लोगों को,
मैंने किया, तुझे इंस्टा पे देखा मुझे लगा पहुंच दर कर लो अभी किसी माँ बहन को लेके कर लो ना क्या भाई, इतना भी नेगेटिविटी सोच मत पड़ो ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट डेवलप आवर म्यूजिक इंडस्ट्री इन त्रिपुरा। सही बात बोल रहा हूँ, ये आप लोग मानो या ना मानो लेकिन मैं सही मानता हूँ। एंड भाई ज़्यादा बोलते जाऊँगा तो बहुत बड़ा बड़ा बातें और निकाल सकता, सो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। आप लोग शायद पूरी वीडियोज देखा होगा लेकिन 100% से 99.9% लोग सिर्फ वो तुझे इंस्टा पे देखा मुझे लगा पहुँच दर वहाँ तक देखते हैं, बाकी का वीडियोज नहीं देखता। आप लोग मतलब क्या समझ में आएगा उतना ही देखने में ठीक है। मैं आप लोगों के सामने थोड़ा बजा के सुनाता हूँ फिर एक्सप्लेन करेंगे। मैंने ये भी बोला है कि बेबी डोंट माइंड प्लीज, मेरा सोच ही अलग है। मतलब इंस्टाग्राम में किसी लड़की को देखा ठीक है, थोड़ा सा इधर ब्रा पहना था, नीचे थोड़ा छोटा छोटा कपड़े पहना था, स्कर्ट पहन के नाच रहा था, रुए रुए के दे लगेगा ना भाई ऑब्वियसली पॉन्ट स्टार। अभी आप फिर से आप लोग बोलेंगे कि उसमें भी हमारा गलती है भाई ऐसा नहीं करता ठीक है। ये जस्ट जो से बट लेकिन ये पॉन्ट स्टार वाला वाला ये जस्ट बट ठीक है, डोंट टेक इट मच सीरियस। सी मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं खुद सनी लियोनी मैम का फैन हूँ। मैम तो पता होगा भाई आप लोगों की क्रम मिस्त्री जाके देखो कितने भर भर के मिलेगा। सी वो ऐसा कम करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसकी वजह से बर्बाद हो रहे हो। स्टिल आई ग्रेजुएटेड, उसकी वीडियोस देख के मैं ग्रेजुएट हुआ, अभी मैं बर्बाद नहीं हुआ अभी तक। आप लोग भी अभी तक किसी को नौकरी हुआ, किसी कोई मंत्री बन गया, कोई MLA बना, किसी को बर्बाद नहीं हुआ ठीक है। ये गाना बना सोसाइटी को बर्बाद नहीं करता, ये सब हमारे सोच है, ये गिरे हुए सोच, गंदी सोच। जब तक ये नहीं बदलेगा ना कुछ नहीं होगा त्रिपुरा में, सच बोल रहा हूँ। तुझे इंस्टा पे देखा मुझे लगा पहुँच सर, मैंने मतलब थोड़ा मतलब स्टोरी बेस्ड इंस्टा पे देखा मुझे लगा पहुँच सर। मैंने ये भी नहीं कहा कि बंडी पहुँच सर है, फिर तो मैंने बोला साड़ी पहन के बंडी अच्छी दिख रही है, पैरों में पायल, हाथों में कंगन, ये सब तो अब लोगों को नजर ही नहीं आते ठीक है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट इज यू गाइस आर कमेंटिंग सेइंग दैट त्रिपुरा म्यूजिक इंडस्ट्री, हुई इज त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा को मेंशन कर रहा हूँ म्यूजिक भी, मैं खुद नहीं बोला कि मैं त्रिपुरा को रिप्रेजेंट करके ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बस अपना मनपसंद काम कर रहा था ठीक है। आगे जाके बिकनी वाला वीडियोज भी बनाना पड़ेगा अगर भगवान प्यार करे तो, अगर आप लोग प्यार करें तो ठीक है, हो जाएगा धीरे धीरे हो जाएगा। ये जो अभी ये सब जो हो रहा है ये मेरा 2-3 साल पहले का सपना था, अभी पूरा हो रहा है स्लोली स्लोली। वी आर गोइंग टू अपडेट थिंग्स स्लोली स्लोली वन आफ्टर अनदर। सो ये बात आपको थोड़ा सोच के रखो, आगे जाके देखने को मिलेगा। हम तेरे का ठीक है, जीरो से आया लेके जाऊंगा मिलियन तक, ये सब तो आप लोग सुनता ही नहीं। बाकी सब वो पॉन्ट स्टार पे अटक गए आप लोग, पॉन्ट स्टार मतलब इतना ज़्यादा ये सब है क्या आप लोग हैं? सिर्फ ये देखने का है आप लोगों को भाई, वायरल देखने का। देखा है मैंने बहुत सारी त्रिपुरा लोगों की वायरल वीडियो, अपन भी पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप में था ठीक है, तो बहुत सारे देखने को मिलता था। हाँ वैसे अच्छा है, बहुत सीन बढ़िया है, कुछ लोग तो मिलता है इधर, वो क्या बोलता था लेक जमुनी पे जाओगे तो भाई बहुत सारे वायरल स्टार, ओह माय गॉड। वो भी हमारी गलती है, हमारी गलती है भाई। वो लोग भी ना, वो लोग आसपास घूम घूम के मतलब जो वायरल हुआ करता था वो सब हमने प्रमोट किया है भाई। वाह वाह सही है भाई, आप लोग ना सही हो। अगर इतना ज्ञान बांटना आता है तो आप लोग जज क्यों नहीं बन जाते थोड़े बहुत? तो बताए ना हमारे त्रिपुरा में क्या चलता है, हमारे खुद का लैंड प्रॉपर्टी को हमें ले रहे, आप उसके लिए तो फाइट नहीं करते। फालतू चीज़ों पर आप लोग मतलब कुछ भी भाई कुछ भी, थोड़ा समझदार बनो यार। आप लोग हमसे कई बना पढ़े लिखे होंगे कुछ, तो अनपढ़ खबर भी होगा कुछ ठीक है, ये तो होता है हर किसी की कम्युनिटी पे। बात बात पे हम लोग थोड़े बहुत गलती ना हो जाए, थोड़े बहुत मिस्टेक ना हो जाए। आप लोग बात बात पे दफा 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 ये क्या है दफा? तुमने वर्मा मेरी या वो कोई मुरा सिंह कोई त्रिपुरा, हम सब भाई बहन है ठीक है। इतना भी गलत फीलिंग मत पालो, पालना ही तो प्यार पालो, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड पालो ठीक है, पाल के रखो, शुअर उवर पालो, गलत फीलिंग मत पालो ठीक है गर्ल्स। सो ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, अगर ये वीडियो डालने के बाद अगर कोई ज़्यादा ही हुआ तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना के अपलोड करना पड़ेगा ठीक है। मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये जो कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह ये सब कुछ होता है ना, ये सब अपने फायदे के लिए करता है ठीक है। मैं अभी ये जो वीडियो कर रहा हूँ, ये वीडियो हम लोग देखेगा, शेयर करेगा, मेरे को यूट्यूब से पैसा मिलेगा, मेरा ही फायदा है। इसलिए सब बोल रहा हूँ भाई, कॉन्ट्रोवर्सी एक साथ बोलो तो बहुत सही चीज़ है, एक तरह बोलो तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी अच्छा नहीं है। हम अपने अपने काम पे ध्यान देकर
हम सब अपना बिजनेस माइंड करके रहा होता तो शायद अच्छे ना होते, मेरा वीडियोस भी अच्छा अच्छा चल जाता। ठीक है, वैसे मेरा वीडियो तो जोर तो बस शौक था करने के लिए तो मैंने किया, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बस डेट्स इट, अभी भी बना रहा हूँ गाना, बना रहा हूँ गाइस, गाना बन रहा है मेरा, आएगा कुछ दिनों बाद आएगा। कमेंट कर लो गाइस फिर से, उसमें किसी के माँ बहन को डाल दो। ठीक है, तो गाइस मेरा यही बोलना था आप लोगों को, गाइस लफड़ा लफड़ा मन करो, गाइस लफड़ा बहुत बुरी चीज है। तो अगर इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगे तो लाइक करो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, और भी लफड़ा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो। ठीक है, हो सकता है इसके बाद भी बहुत सारा वीडियोज डालने पड़ेगा मेरे को। तो गाइस जिनको बोलो शौक दो वो बैंक है, कौ बैंक ब्रुक रहा है कि बैंक ऊँचा है, जैसे कि वो तो आप सबको पता है। तो मेरा वीडियो यही पर एंड कर रहा हूँ, मेरे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।